हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, यहाँ पर कुछ दिन पहले अच्छी खासी यहाँ पर वीडियोस बनाई गई थी, होप आपने यहाँ पर देखा होगा। और LIC में एग्जैक्टली यहाँ पर किस तरीके से टारगेट यहाँ पर जा सकता है, कब यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है, वो सब चीज मैंने यहाँ पर मेंशन करी है, जाके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कुछ चीजों से रिलेटेड, जो कि हम निफ्टी का यहाँ पर बात करेंगे, ओके, कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पर कल के दिन में रह सकती है, मंडे को किस तरीके से मार्केट यहाँ पर काम कर सकती है, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊं, तो आपको यहाँ पर जैसे कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही सब चीज यहाँ पर बता दी है कि कब यहाँ पर मार्केट में तेजी आ सकती है, कब यहाँ पर मंदी आ सकती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, एक लाइन यहाँ पर खींच रखी थी। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये था रेजिस्टेंस, ओके। जो मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसमें आपको सब चीज बताई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये रेजिस्टेंस दिखाई देता है, और इस रेजिस्टेंस को अगर पार कर दिया तो यहाँ पर एक दूसरी रेजिस्टेंस सामने खड़ा हुआ है, ओके। ये रेजिस्टेंस यहाँ पर मेन रेजिस्टेंस नजर आता है। एक ये शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस था जो एक दिन में यहाँ पर देखा, यहाँ पर एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, इसी रेजिस्टेंस को यहाँ पर क्रॉस करके, यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसी रेजिस्टेंस को टच किया, टच करके चुपचाप नीचे आया, और ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ओके, इस लाइन को भी यहाँ पर, इस लाइन को ही यहाँ पर इसने रेस्पेक्ट किया। अब इसे तेजी होने के लिए, ओके, यहाँ पर 15,863 कह सकते हैं, 15,886, ये दो हाई लेवल है, इसे निकालना बहुत जरूरी है। अगर इस लेवल को निकाल देता है तो याद रखिए, एक दूसरे एरा में, जो कि ये इस तरह, ये जो एरा है, ओके, इसमें यहाँ पर ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, इस बास्केट में यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, और इस बास्केट को भी अगर ये पर्टिकुलर इस लेवल को क्रॉस कर देता तो अच्छी खासी तेजी फिर उस केसेस में हम यहाँ पर सोच सकते हैं। बट इसके लिए 15,863 कह लीजिए, 15,886 कह लीजिए, ये दो लेवल यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट है। और इसका जो आज का लेवल है, इसका हाइट है 15,749 का, वो भी यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर नजर आता है। तो ये निफ्टी के बारे में यहाँ पर व्यू है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं, इसी के हिसाब से आप यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन, ओके, कॉल पुट, जो भी आपको यहाँ पर करना है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर करना होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन काफी इंपोर्टेंट चीजें होती है, और जो इस तरीके की कैंडल बनी है, एक तरीके की यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनी है। ड्रैगन फ्लाई कैंडल का मतलब क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस से मुड़ जाती है तो यहाँ पर गिरावट के भी संकेत होते हुए नजर आते हैं, और यहाँ पर तेजी भी हो सकती है। बट इसके डिपेंड करता है कि इसका लो तोड़ता है, अगर लो तोड़ा तो यहाँ पर गिरावट समझ लीजिएगा, अगर इसका हाई तोड़ा तो तेजी भी होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि एक यहाँ पर रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं, वो भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म में, क्यों? क्योंकि ये छोटा सा रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पर तेजी के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अच्छा खासा गिर गया है। अब बात कर लेते हैं और भी कुछ यहाँ पर इंडेक्स से रिलेटेड। अगर हम यहाँ पर बात करें स्मॉल कैप की, तो आप यहाँ पर स्मॉल कैप में यहाँ पर देख सकते हैं, स्मॉल कैप में जब ये कैंडल बननी थी, मैंने ऑलरेडी कह दिया था, तेजी होती हुई दिखाई दे रही है। और जब इस तरीके से इनसाइड बार यहाँ पर दिखाई देता है, और एक इनसाइड बार के अंदर तीन तीन चार चार कैंडल दिखाई देती है, तो यहाँ पर जब हाई तोड़ता है तो अच्छी तेजी होती है। वो यहाँ पर तेजी आप देख सकते हैं, 144 पॉइंट की यहाँ पर तेजी हुई। और अभी भी बात करें तो इसके लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस नजर आता है सामने, ओके, 8,632 के आसपास का, इसे क्रॉस कर दिया तो ये दूसरे बॉक्सेस में आएगा और धीरे धीरे करके यहाँ पर ऊपर की तरफ चल जाएगा, और मेन 9,412 इसे क्रॉस कर दिया तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर आप फ्यूचर में समझ सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप में। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप की बात कर लेते हैं। निफ्टी मिड कैप की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर ये जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था, मारो बोजू टाइप की एक कैंडल बनती हुई नजर आ रही है स्मॉल स्मॉल, तो यहाँ पर तेजी हो सकती है, क्यों, और सामने रेजिस्टेंस भी खड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये इस चीजों को यहाँ पर ऊपर की तरफ टच करके नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे, तो क्या कैंडल यहाँ पर बनेगी वो डिपेंड करेगा। बट यहाँ पर जिस तरीके कैंडल बन रही है, जिस तरीके से तेजी होती नजर आ रही है, वो सब चीज यहाँ पर बता रही है कि थोड़े सा मार्केट एटलीस्ट यहाँ पर मंडे को एटलीस्ट यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि गैप अप ओपन हो, ऊपर जाए, ऊपर जाके फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे, या फिर इस लाइन को यहाँ पर क्रॉस कर देता है, ये जो रेजिस्टेंस है 26,741 का, इसे यहाँ पर क्रॉस कर देता है तो एक तेजी होगी जो इस बॉक्सेस में यहाँ पर इसे लेती हुई आएगी, और असली तेजी के लिए इसे यहाँ पर 27,117 के लेवल को क्रॉस करना यहाँ पर अनिवार्य है। तो यहाँ पर निफ्टी मिड कैप में इस तरीके का व्यू। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसने अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पर सपोर्ट किया, ओके, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आया,
और तेजी की बात कर रहे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको ये कैंडल बताई थी, जब भी इस तरीके जैसे अभी भी बताया ड्रैगन फ्लाई अगर इसका हाई निकाल देता तो अच्छा खासा तेजी हो सकती है, सेम यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई दी। अब क्या है, अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक डब्लू शेप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आप कह सकते ट्रिपल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, और जब भी इस तरीके का ट्रिपल टॉप बनता है तो यहाँ पर इसका अगर हाई निकाल दिया तो इसके सामने सबसे पहले तो रेजिस्टेंस ही खड़ा हुआ है। ओके, एक छोटा सा रेजिस्टेंस। ओके, और यहाँ पर हो सकता है कि इसे टच करके चीजें नीचे आए, बट अगर यहाँ पर इसे क्रॉस कर देता है तो एक दूसरे बॉक्स में यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा, और दूसरे बॉक्स में गया तो अगर ये इस पर्टिकुलर चीज को 36,057 के पॉइंट को यहाँ पर निकाल देता है तो याद रखिए एक तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है जो इसे ऊपर की तरफ लेती हुई जाएगी। तो यहाँ पर इस लेवल को निकाला तो एक तेजी यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसी हिसाब से इंट्राडे के बेसिस पे काम किया जाता है। लॉन्ग टर्म के बेसिस पे तो देखिए मार्केट में गिरावट और कंसोलिडेशन और तेजी चलती रहेगी, तो तेजी हमें होनी है, तेजी मार्केट में होनी है, ये सब चीज को सबको पता ही है, तो इसी हिसाब से हमें यहाँ पर काम करना है। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट की, तो हम एक बार बात कर लेते हैं निफ्टी आईटी की। निफ्टी आईटी देखिए, देखिए ये जितनी भी लाइंस यहाँ पर खींची हुई है ना कुछ इंपोर्टेंस रखती है। यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी आईटी में एक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तेजी हुई, तेजी होने के बाद तो यहाँ पर देखिए ये इसी पॉइंट को यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो जो यहाँ पर ये है काफी टाइम पहले से यहाँ पर ये लाइन खींची हुई है। ओके, इस हॉरिजॉन्टल लाइंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसी को ही रिस्पेक्ट देके टच करके चीजें नीचे आएगी, तो इसी तरीके से काम किया जाता है। इसीलिए मैं जितनी भी लाइन आपको बता रहा हूँ चाहे निफ्टी 50 में स्मॉल कैप मिड कैप, तो ये सारी की सारी लाइन काफी इंपोर्टेंट लाइन है। और यहाँ पर अगर हम देखें इसका जो अगर हाई निकाल दिया इसने तो डबल टॉप होता हुआ नजर आएगा, और इसे अगर क्रॉस कर देता है तो एक तेजी होगी जो इसे इस वाले बॉक्स में लेके जाएगी, जो कि यहाँ पर आसान नहीं रहेगा इसे क्रॉस करना, तो इसे भी थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा। अब क्या हो सकता है वो यहाँ पर देखना होगा, बट यहाँ पर अगर बात करें ऊपर यहाँ पर जब तक इस लेवल को नहीं निकाल रहा तब तक निफ्टी आईटी में तेजी मत समझिए, जब तक इसे में गिरावट नहीं हो रही तब तक यहाँ पर इसमें सपोर्ट ही समझिए कि यहाँ पर ये सपोर्ट है, जब तक गिरावट नहीं हो रही तब तक यहाँ पर हो सकता है कि चीजें कल के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में चीजें गिरे, अगर गिरती हुई आईटी गिरता है तो यहाँ पर शायद इसे टच करके चीजें ऊपर जा सकती है। डिपेंड करेगा किस तरीके की कैंडल यहाँ पर बनेगी, फिर उसके बाद से हम अगले दिन का व्यू यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। निफ्टी ऑटो की बात करूं तो निफ्टी ऑटो में जिस तरीके की कैंडल यहाँ पर बनी थी, ओके यहाँ पर डबल टॉप था, डबल टॉप इसने तोड़ा, तोड़ के यहाँ पर ऊपर की तरफ निकला, ओके अच्छी खासी यहाँ पर एक कैंडल बनाई है, बट रेजिस्टेंस सामने। ओके, ऐसा रेजिस्टेंस 11,678 हो सकता है कि यहाँ पर 11,678 को टच करके चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर निफ्टी आईटी में देखा था, बट अगर यहाँ पर क्रॉस कर देता तो देखिए डबल टॉप यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। डबल टॉप मतलब है यहाँ पर अगर इसने क्रॉस कर दिया तो ये इस वाले एरिया में जाता हुआ, इस वाले बॉक्स में जाता हुआ दिखाई देगा, और इसके लिए रेजिस्टेंस ये बन जाएगा, और ये रेजिस्टेंस अगर इसने निकाला तो याद रखिए डबल टॉप अगेन यहाँ पर इस बेसिस बनेगा, और ये यहाँ पर फिर एक तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है, इस चीज को याद रखिएगा। 12,160 इसका मेन लेवल है जो कि इसे अच्छे खासे ऊपर के लेवल पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है, बट यहाँ पर ये वाला लेवल कल के दिन में देखा जाएगा कि किस तरीके से बिहेव करता है, तेजी है तो तेजी है। मेटल की बात करें, मेटल में अभी यहाँ पर बुलिशनेस नजर नहीं आती, बट स्टिल यहाँ पर आप देखेंगे इसी कैंडल के आसपास एक बंद होता हुआ दिखाई दिया है, एक डोजी बनती हुई दिखाई दे रही है बार बार। ओके, इस डोजी के अगर इसे हाई को निकाल देता है तो यहाँ पर इस रेंज में आता हुआ दिखाई देगा जो कि यहाँ पर 4,766 की रेंज है, इसे क्रॉस करता है तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस नजर आएगा, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस इसके लिए एज इट इज यहाँ पर अभी तक वैलिड है। इसके अलावा बात कर लेते हैं निफ्टी एफएमसीजी की। निफ्टी एफएमसीजी में हमेशा बार बार आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई दे रही है, तेजी होती हुई दिखाई दे रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया और दूसरे बॉक्स में आता हुआ दिखाई दिया, अब यहाँ पर इस बॉक्स तक यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई देती हुई नजर आ रही है। बट इसे असली मेक और ब्रेक की बात करें तो यहाँ पर 39,297 का अगर इसने लेवल विद सब कंसम कैंडल कंफर्मेशन या किस कोई भी कंफर्मेशन के साथ निकाला तो याद रखिए ये 42,000 के लेवल को जाएगा, और शायद यहाँ पर इसमें बॉटम यहाँ पर बना लिया है, और धीरे धीरे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इसने यहाँ पर बॉटम बनाया, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक इसने ऊपर गया तो ये लोअर हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जब भी लोअर हाइज बनते हुए दिखाई देते हैं तो याद रखिए एक तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है, तो यहाँ पर ऊपर जाके शायद नीचे आए, नीचे जाके यहाँ पर आसपास यहाँ पर बंद हो, तो याद समझ लीजिएगा इसमें अब बॉटम बन गया और एफएमसीजी सेक्टर में अच्छा खासा पैसा बनता हुआ आपको फ्यूचर में दिखाई दे सकता है। इसके अलावा फार्मा की बात कर लेते हैं, फार्मा की हम बात करते हैं तो फार्मा देखिए इसने अब ये रेजिस्टेंस लाइन थी,
यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक रेजिस्टेंस लाइन थी, इस रेजिस्टेंस लाइन को इसने टच किया और टच करके गिरता हुआ दिखाई दिया, ओके, और एक कैंडल बनाती हुई दिखाई दी, जो ये इस तरीके की कैंडल बनती है, शूटिंग स्टार इसे कहते हैं, और जब भी शूटिंग स्टार यहाँ पर बनता है तो इसका मतलब है भाई गिर रहा है, शूटिंग स्टार मतलब टूटता हुआ तारा, तो ये टूटता हुआ तारा नजर आता है। अगर इसने अपना लो 12,150, 178 पे बंद हुआ है, 150, 150 को क्रॉस कर देता है, तो याद रखिए दोबारा यहाँ पर चीजें बिगड़ती हुई नजर आ सकती है आईटी के लिए, और ये शेयर इसके लिए फिर यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा, और अगर इसे यहाँ पर रिस्पेक्ट देता है ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर और गिरावट होती हुई नजर आएगी। बट मार्केट में जिस हिसाब से यहाँ पर रेजिस्टेंस बना तो शायद यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट होती नजर आएगी, और इसके लिए सपोर्ट ये है ही। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। एनर्जी की बात करूं, एनर्जी में मैं बुलिश नहीं हूं, मैं हमेशा बार बार आपको कह चुका हूँ, ओके, यहाँ पर इसी रेंज में यहाँ पर ये घूमता हुआ नजर आ रहा है, इसके लिए सपोर्ट ये बरकरार है नीचे के लेवल पे, शायद यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर ले जाके लोगों को फिर फंसा के नीचे आ सकता है। तो चीजों को उसी हिसाब से आपको देखना है, ऑलरेडी तेजी हो चुकी है या और तेजी होने के बाद चीजें और बिगड़ सकती है, यहाँ पर ऊपर जाके फंसा सकते हैं, इसे थोड़ा सा माइंड में रख के आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। सो ये सारा का सारा व्यू था कल के लिए मार्केट में, इसी हिसाब से आपको यहाँ पर सब चीजें देखनी है। अगर हम यहाँ पर कुछ और डेटा यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं जैसे कि FIs और DIIs का डेटा, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर आप मार्केट को यहाँ पर देख सकते हैं। एक मिनट दीजिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितने इनफ्लोज और आउटफ्लोज हुए FIs के थ्रू, पर देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 24 तारीख को भी लगभग यहाँ पर 2353 करोड़ का नेट यहाँ पर सेल होती हुई दिखाई दी है, और 2200 करोड़ के आसपास की DIIs ने यहाँ पर बाइंग भी करी है। डोजोन्स की बात करें तो डोजोन्स यहाँ पर आप देखेंगे तो डोजोन्स यहाँ पर अच्छी खासी तेजी होती हुई दिखाई दी थी, और डोजोन्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, इसने देखिए यही कैंडल बनाई थी, हैमर बनाता हुआ दिखाई दिया था, और मारू बोजू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मारू बोजू का मतलब है यहाँ पर अच्छी खासी तेजी दोबारा होती हुई दिखाई दे सकती है, बट इसके लिए रेजिस्टेंस की बात करें 32,040 का यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर आता है, इसे थोड़ा सा डबल टॉप टूटेगा और यहाँ पर तक जाने की पूरी कोशिश करेगा, और यहाँ से भी क्रॉस कर दे तो और तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है। अगर यहाँ तेजी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में भी तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये सारे के सारे आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर समझने वाली चीज है। इंडिया विक्स की बात करें, इंडिया विक्स बार बार यहाँ पर देखिए हैमर बनाता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी नीचे, अगर इसने अपने हाई को यहाँ पर तोड़ा निकाला, ओके, तो याद रखिए यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई देगी। यहाँ तेजी हुई तो सिंपल सी बात है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में गिरावट होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर ये भी चीजें इंडिया हमें देखनी होगी डेली के डेली कि अगर इसका हाई निकाल देता है तो तेजी यहाँ पर होगी, यहाँ पर तेजी मतलब मार्केट में गिरावट। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको ये भी इंडिया विक्स भी देखना है और दूसरे इंडेक्सेस भी उसी हिसाब से यहाँ पर देखने हैं। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर प्लस।